ऑल लवली व्यूअर्स, दिस इज़ मारफा नवाज़ अहमद एंड यू ऑल आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सो मैं आई हुई हूँ शाह आलम बाबा की दरगाह जो अहमदाबाद में है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और मैं यहाँ बहुत दिनों से आने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फाइनली आज मैं पहुँच गई हूँ। और बहुत ही बड़ा मज़ार है, मैं आप लोगों को घुमा कर अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हज़रत कुतुब शाह आलम बाबा की दरगाह जो अहमदाबाद में है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर एक बात बताऊंगी ना तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि मैं कैलकटा में जब थी तो मैंने ख्वाब में ये मज़ार को इस तरफ से देखा था। ये जो आप लोग ब्राउन ब्राउन दीवार की तरफ देख रहे हैं ना, इसको मैंने ख्वाब में देखा था और मैंने उठकर अहमद को बताया भी था कि मैं देखी हूँ कि मैं ब्राउन ब्राउन सा एक मज़ार है, तो वहाँ मैं गई हूँ ज़्यारत करने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि शाह आलम बाबा की जो दरगाह है वो भी इसी तरीके का बना हुआ है। ये देखिए इसकी इमारत। अजान होने वाली है दोस्तों, और आप लोग सुनिएगा कि वहाँ का अजान सुनकर कितने दिल को सुकून मिला। मैंने ज़ियारत कर लिया है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। आप लोग देख सकते हो कि औरतों का सेक्शन अलग है, जहाँ पर सिर्फ औरतें ही अलाउ हैं, मर्द की जगह से औरत नहीं जा सकती हैं। वैसे भी मज़ार के अंदर औरतें अलाउ नहीं होती हैं दोस्तों, तो ज़ियारत करने के लिए शाह आलम बाबा की अलग से औरतों का बैठने का जगह। ये जो आप लोग पेड़ देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये कोई नॉर्मल पेड़ नहीं, ये करामाती पेड़ है। जिन माओं को दूध नहीं होता है ना अपने बच्चों के लिए, वो यहाँ पर आकर मन्नत मांगती हैं और मन्नत पूरे हो जाने पर यहाँ पर दूध चढ़ाती हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो पेड़ है ना मस्जिद के सेहन में हुआ करता था, और जब इसको काटने का बात हुआ तो रातों रात ये पेड़ खुद ब खुद चलकर शाह आलम के दरगाह के पास आ गया। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ आकर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। तो मैं अब जा रही हूँ उस तरफ, देखती हूँ वहाँ पर क्या है। आप लोगों को घुमाकर कैमरा अच्छे से दिखा देती हूँ। मैं धीमे इसलिए बात कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये मज़ार है और मज़ार में ज़्यादा चिल्लाकर ज़ोर से नहीं बोला जाता है। पूरा मज़ार ही मज़ार है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये पूरा कब्रिस्तान है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। चलिए मैं आप लोगों को उस तरफ लेकर चलती हूँ।
ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा। फ्रेंड्स धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है लेकिन मौसम जो है वो अहमदाबाद का बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और मैं जा रही हूँ कदमे रसूल के अंदर, या मैं आप लोगों को अंदर ले जाकर दिखाती हूँ वहाँ भी। तो आइए, अहमद आ गए हैं और मैं अंदर जा रही हूँ, तो चलिए। ये देखिए, मैं आप लोगों को दूर से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, काश के आप लोग अपनी आंखों से देख सकते तो आप लोगों को भी वो सुकून मिलता दोस्तों जो मुझे मिल रहा है। लेकिन आप लोग मेरा ये व्लॉग देख लो, मेरा ये वीडियो देख लो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कार्ड्स रखे हुए हैं। वो जो होता है ना फ्रेंड्स कि पहले अगर आप कोई पीर मुर्शिद से अगर आप दावत देना शुरू करो तो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा शादी के कार्ड वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, तो वही सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस नाचीज़ के नज़रों ने क्या देखा, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि मैंने अभी क्या देखा। मैंने देखा वहाँ पे रसूल अल्लाह के कदम का निशान है पूरा, मैंने अपनी आँखों से देखा दोस्तों। लेकिन अफसोस कि मैं नहीं दिखा सकती हूँ मैं कैमरा में, मगर मेरी आँखों ने जो देखा दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती दोस्तों, लेकिन उसका कैमरा करना मना है, उसका वीडियोग्राफी करना मना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसी के अंदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला के कदम का निशान है, वो पूरे पत्थर में एक निशान की तरह बना हुआ है। और कसम से इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा ना दोस्तों उसको देख कर, कि जैसे लगा कि आँखों को नूर मिल गया हो। मैं दिखा सकती दोस्तों आप लोगों को तो ज़रूर दिखाती, लेकिन आई एम वेरी सॉरी, वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। उसके ऊपर में ये फूल था रखा हुआ, ये देखिए, ये मुझे मिला है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और भी शाह आलम बाबा की दरगाह से जुड़ा जो कुछ भी बात मुझे पता लगेगा, मैं अपनी इस वाले व्लॉग में आप लोगों को धीमे धीमे करके सारा बात बताऊँगी। तो मैंने यहाँ का ज़्यारत कर लिया है दोस्तों, अब मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स उस तरफ ना कब्रिस्तान है पूरा, और वहाँ पर भी एक मज़ार है, लेकिन आप लोगों को तो मालूम है कि कब्रिस्तान में औरतों का जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ। अहमद गए थे वहाँ। दोस्तों मुझे बताया गया है कि वहाँ अंदर मस्जिद के पास में कोई तख्त भी है, तो मैं मस्जिद में तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि औरतें मस्जिद में अलाउ नहीं होती हैं, कब्रिस्तान में भी अलाउ नहीं होती है। तो जहाँ मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैंने वहाँ अहमद से कह दिया है कि आप जाओ और मेरे व्यूअर्स के लिए वहाँ से पूरा वीडियो बना कर लेकर आओ, तो मैं सारा जो कुछ भी कैप्चर होगा मैं अपने इस वाले व्लॉग में डालूँगी, तो आप लोग देखते रहिए। ये जो मस्जिद आप लोग देख रहे हो ना दोस्तों, ये मस्जिद हज़रत शाह आलम बाबा के मज़ार के हाथे में ही आता है, और यही वो मस्जिद है जहाँ पर वो बच्चों को तालीम देने के लिए आया करते थे। ये
एक रोज़ की बात है दोस्तों, तो हज़रत शाह आलम की तबीयत ज़रा नासाज हो गई, जिसके वजह से वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ नहीं पाए। और अगली सुबह जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुँचे तो सारे बच्चों को उन्होंने कहा कि अपना अपना सबक सुनाओ। तो बच्चों ने कहा कि आपको तो सबक वो कल ही सुना चुके हैं। हज़रत शाह आलम को समझ में आ गया था कि उनकी जगह पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला आए थे और बच्चों को तालीम दे कर गए हैं। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को वो दोनों तख्त दिखाऊंगी जिस पर एक में आकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला बैठे थे और एहतरामन शाह आलम हज़रत कभी दोबारा उस तख्त पर नहीं बैठे। ये देखिए, दूर दराज से नाज़रीन आते हैं दोस्तों और नफिल नमाज 2 रिकात पढ़ते हैं, सच्चे दिल से पूरे आस्था से दुआएं करते हैं और फैज़ भी पाते हैं पीर बुजुर्ग के दर पर। इतना ज़्यादा सुकून तो दोस्तों मुझे कभी नहीं मिला था। यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मैं एक बार हाजी वारिस पाक के मज़ार में गई थी ना, वहाँ पर जैसे मुझे खुशी लगी थी ना, वैसे ही मुझे यहाँ पर आके भी खुशी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ जो अल्लाह के वली ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने दर का ज़्यारत करने के लिए मुझे यहाँ इतनी दूर कोलकाता से अहमदाबाद बुलाया। तो फ्रेंड्स, ये भी वज़ू खाना है, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत। कहते हैं दोस्तों, जब शाह आलम बाबा कुरान की तिलावत करते थे तो उस वक्त उनका एक तोता भी था जो उनको कुरान की तिलावत करते हुए सुनता रहता था। और अल्लाह के करम से वो तोता भी हाफिज़े कुरान हो गया, मतलब कि उसने 30 पारा को पूरा याद कर लिया। और उसकी मज़ार यहाँ पे बनी हुई है, तो मैंने अहमद से कहा है कि आप जाकर मेरे लिए उधर का भी वीडियो बना कर लाओ। तो अहमद गए हैं वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, मैं उस मज़ार का भी आप लोगों को दिखाऊँगी, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ पे 6 मज़ार है दोस्तों, और 6 मज़ार में से जो सबसे पहले वाली मज़ार है ना, ये हमारे हज़रत शाह आलम के बड़े साहबजादे की मज़ार है। आप लोग देख सकते हैं, ये है वजू खाना और ये ऊपर मस्जिद है। अहमद गए हैं नमाज पढ़ने के लिए और ये है शाह आलम बाबा की दरगाह। ये पेड़ जो देख रहे हैं ना दोस्तों, इसका अपना अलग करामात है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये देखिए, मैं आप लोगों को कैमरा अच्छे से घुमा कर दिखा रही हूँ। अल्लाह के वली के मज़ार में डेफिनेटली आपको सुकून और शांति मिलता है दोस्तों। तो मुझे आकर यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से वापस घर भी जाऊँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। पूरा शाह आलम बाबा का दरगाह बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप लोगों को तो दिखा ही रही हूँ मैं कि कितना ज़्यादा बड़ा मज़ार है और खूबसूरत मज़ार है। सोचिए, यहाँ पर चलने तक का जगह नहीं बचता है जब यहाँ पर उर्स मुबारक होता है। किस कदर शहदाई है शाह आलम बाबा के। और क्यों ना हो दोस्तों, पीर वली की ज्यारत करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और फैज़ जो मिलता है तो शांति और सुकून तो नसीब होगा ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं लेकर आए हैं बाहर से चादर या फूल कुछ भी, तो आप लोग यहां से खरीदारी कर सकते हैं। ये एकदम मज़ार के हाथे में ही है, ये देखिए, यहाँ से आप हर कुछ हदिया कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फूल, चादर, अतर, अगरबत्ती, मोमबत्ती सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से आके खरीदारी कर सकते हो। और ये देखिए, ये रहा शाह आलम बाबा की दरगाह, और इसके जस्ट इस तरफ में ही ये वाला शॉप है, और देखिए इस तरफ पूरा मस्जिद है, और वो वाला दोस्तों कदमे रसूल है, ये देखिए।
ये मेन एंट्रांस है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मज़ार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हसीन, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आकर। और क्यों ना हो दोस्तों, अल्लाह के सच्चे वलियों के मज़ार पर आपको आकर दिल को सुकून ही मिलेगा। बहुत ही दूर दूर से नाजरीन आते हैं यहाँ पर ज़्यारत करने के लिए, मगर लॉकडाउन के टाइम में ये मज़ार को भी बंद रखा गया था बाकी सारे मज़ार की तरह, लेकिन अब लॉकडाउन जब कि ख़त्म हो चुका है तो माशाअल्लाह इस मज़ार को नाजरीन की ज़्यारत के लिए खोल दिया गया है। यही वो जगह है जहाँ का मैंने ख्वाब देखा था, ये सारे दीवार मुझे दिख गए थे कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है। दोस्तों आप इस जगह चप्पल पहनकर नहीं आ सकते हो, तो इसलिए आपके चप्पल को जो है वहाँ पर जमा दे दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे अलग से जगह है पूरे चप्पल रखने के लिए। तो दोस्तों ये जो सारे आप लोग खस्ती देख रहे हैं ना, ये सारे मज़ार के लिए ही है और ये नियाज फातिया के लिए इन लोगों को स्पेशली रखा गया है। फ्रेंड्स, हर बकरी का अलग अलग नाम है, हर खस्ती का अलग अलग नाम है। जो ब्लैक वाला आप लोग देख रहे थे ना, इसका नाम सुल्तान है। यहाँ पर आकर ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं यहाँ शाह आलम बाबा की दरगाह आई थी, कुतुब शाह आलम बाबा की दरगाह जो अहमदाबाद में है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगी अल्लाह के सच्चे वली से कि आप लोगों का भी आना यहाँ पर नसीब हो। बहुत ही सुकून और राहत मिला दोस्तों मुझे यहाँ आकर, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। में से जो सबसे पहली मज़ार आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये हज़रत कुतुब शाह आलम के बड़े साहबजादे की मज़ार है।